Hey guys, welcome back to our YouTube channel Soyvi Style Blog. So guys, कैसे आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होंगे और आज की एक न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में आपका स्वागत है. बिकॉज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अपडेटेड और वार्म होने वाला है. मैं आपको बता दूं, MT15 वर्जन 2.0 इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हो चुका है. प्राइज, स्पेसिफिकेशन सारे उसके लीक हो चुके हैं. मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए परचेस भी कर लिया है और उसके सारे टेस्ट मैंने इसी चैनल पर कर दिए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. बट मैं आज बात करने वाला हूं 125cc सेगमेंट के बारे में. बिकॉज आप सब लोगों को मालूम है कि इंडियन मार्केट में पेट्रोल कितना हाई लेवल प्राइस हो चुका है और ऑब्वियसली हाई सीसी सेगमेंट की बाइक जो है कम माइलेज देंगी. तो अब हमको चाहिए एक सही माइलेज देने वाली बाइक जो कि इंडियन टूलर मार्केट में आने ही वाली है 125cc सेगमेंट की. मैं आपको बता दूं, लुक वाइज में V2 के ही तरह रहने वाली है, मतलब MT15 V2 के ही तरह ये बाइक दिखने में लगेगी आपको. बस इस बाइक में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सारे देखने को मिलेंगे वही फीचर्स, वही जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरी डिटेल, कब लॉन्च होने वाली है, क्या इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन और फीचर्स देखने को मिलेंगे. बिकॉज ये बाइक जो है लो प्राइस में देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली लो में देखने को मिलेगी, जी हाँ, क्योंकि 125cc सेगमेंट की बाइक है. इसमें बस जो चेंज किया गया है, सिर्फ सीसी सेगमेंट में चेंज किया गया है. बिकॉज MT15 वर्जन 2.0 को लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो थोड़े हाई लेवल प्राइस लोगों को लगता है ऐसा, बट ऐसा है भी क्योंकि उस बाइक के अंदर ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. मैं आपको बता दूं, MT15 125cc बाइक में आपको सारे फीचर्स दिए जाएंगे जो भी आपको नेक्स्ट लेवल में देखने को मिलते हैं. जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल आज इसी वीडियो में. इसकी लॉन्चिंग डेट, इसके प्राइस आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में. वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है MT लवर्स के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें. ओके गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लूँ बाइक के इंजन के बारे में. इस बाइक में आपके 124cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SHO इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 6 गियर ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएंगे. मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 14.7 HP विद 10,000 RPM के साथ. मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा इंजन 11.5 Nm एंड टॉर्क 8,000 RPM के साथ. इस बाइक में आपको 6 गियर ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. बाइक में आपको वेट मल्टीपल डिस्क क्लच देखने को मिल जाएगा. बात कर लें बाइक के सस्पेंशन के बारे में, जो कि मेन हाईलाइट ये MT15 वर्जन 2.0 के अंदर. तो गाइस, इस बाइक में आपको, मैं आपको बता दूं, 125cc सेगमेंट की बाइक है, तो इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट साइड में 41mm के अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल सकते हैं इंडियन टूलर मार्केट में. बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में जो लॉन्च हुई है साइज, उसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, बट यामा की तरफ से इंडियन टूलर मार्केट के लिए ये आपको बाइक के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाएगा. बाइक के रियर पार्ट में आपको यूनिट सिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे. यामा की तरफ से डायमंड फ्रेम पे आने वाली ये बाइक लुक और डिज़ाइन के बारे में क्या ही बात करूं अपने सेगमेंट में. इस बार क्योंकि 125cc सेगमेंट में है, तो इस बार ये बाइक किल करने वाली है. मैं आपको बता दूं, MT15 वर्जन 2.0 को कोई परचेस नहीं करेगा यार, ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में जल्दी ही आने वाली है. तो गाइस, बात कर लें बाइक के डायमेंशंस के बारे में. बिकॉज काफ़ी लोगों को इंडियन मार्केट में हाइट का रोल ज़्यादा रहता है, सीट हाइट का रोल और ग्राउंड क्लियरेंस का रोल. तो गाइस, इस बाइक की ओवरऑल हाइट रहने वाली है 1065 mm, ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है 160 mm का, सीट हाइट रहने वाली है 810 mm की, कर्व वेट बाइक के अंदर रहने वाला है 142 kg. ओके गाइस, बाइक में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लें, जो कि मेन फीचर रहता है क्योंकि काफ़ी रोल लगता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर, तो इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ एक फीचर ही देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सारे देखने को मिलेंगे, जो कि यामा मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर देखने को मिलता है आपको कंसोल क्लस्टर में, वो इस बाइक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा. मैं आपको बता दूं, उस फीचर्स का बहुत सारे लोग यूज़ भी नहीं करेंगे और यूज़ करना भी नहीं आएगा, बट ऐसे जो भी बाइक परचेस करेगा वो सारे लोग कर सकते हैं. बिकॉज कोई, बट मतलब मेरे हिसाब से जो है ज़्यादा फीचर्स वो यूजेबल नहीं है. बिकॉज मैंने बाइक परचेस कर रखी है, सारे टेस्ट अपने चैनल पर कर रखे हैं ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया है. बात कर लें बाइक की लाइटिंग के बारे में. बाइक में आपको हेडलाइट, टेल लाइट जो है LED देखने को मिलेगी, जो कि आपको MT V2 के अंदर देखने को मिली है. सारे फीचर वही रहने वाले हैं लाइट के हिसाब से.
बात कंफर्ट फीचर्स के बारे में क्या ही करें, वही चीज़ देखने को मिलेगी आपको जो कि MT V2 में देखने को मिली है। बात कर लें बाइक के ब्रेक एंड टायर में कोई चेंजेस हैं या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बाइक में आपको फ्रंट ब्रेक जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 292 mm के हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक। ओके, बाइक के रियर पार्ट में आपको 220 mm के हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक जो कि आपको सिंगल एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम के साथ देखने को मिलेंगे। बाइक में आपको फ्रंट टायर 100x80 सेक्शन का देखने को मिलेगा। बाइक का रियर टायर आपको देखने को मिलेगा 140x70 सेक्शन का। ओके गाइस, बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा अलॉय व्हील के साथ। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं बाइक के एक मेन टॉपिक के बारे में जो कि रहने वाला है माइलेज एंड टॉप स्पीड। बाइक के अंदर क्या देखने को मिलेगी भाई ये तो बताओ। तो मैं आपको बता दूं MT15 वर्जन V2 में आपको, मतलब वर्जन 2.0 जो आई है अभी, उसका मैंने हर तरीके से माइलेज टेस्ट कर लिया है। मैं आपको बता दूं 50 प्लस से मेरे को नीचे माइलेज देखने को नहीं मिला है। बाइक के अंदर माइलेज इतना बढ़िया मिला है मेरे को जिसका कोई जवाब नहीं है, जो कि 155 cc सेगमेंट की बाइक है। अब आने वाली है 125 cc की, तो गाइज मैं आपको क्या ही बताऊँ माइलेज के बारे में, ये बाइक एकदम बॉम्ब है। इस बाइक को परचेस करने के लिए कोई भी आपको माइलेज के बारे में सोचना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बाइक की टॉप स्पीड के बारे में बात कर लें तो गाइज इस बाइक में आपको 120 किलोमीटर आवर की अप्रॉक्सीमेट अराउंड टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं जो भी बाइक परचेस करता है ना ही रेसिंग करता है, सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए नॉर्मल बाइक को परचेस करता है। ओके गाइस, यही इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको मैक्स इंफॉर्मेशन दे दी इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो MT15 125 cc सेगमेंट की बाइक को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। गाइस मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।